उर्विल को हमने बुलाया है कि ऑफिस पे आज नाइट आउट करते हैं, सबको फोन आएगा, सब फोन नहीं उठाएंगे या तो फिर हाँ आ रहे आ रहे करेंगे, खाली उसको इधर ही लपड़ाएंगे। ओके भाई, वाला नहीं कुछ नहीं है, एक्टिविटी चालू करी ना राखो तो ये भी इतना नया लौटा तो चल बोला बोला उठा ली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा बनी। गुड मॉर्निंग है सब सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जय श्री राम, खुश रहो। तो गाइस, ट्रेलर डाला था हमने कल कमीने फ्रेंड्स चैनल पे, सबका रिस्पॉन्स सबके कमेंट्स बड़े बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और बस आज शाम को आ रहा है फर्स्ट एपिसोड, बहुत मस्त बना है फर्स्ट एपिसोड, बहुत मजा आएगा। ये एक रोलर कोस्टर वेब सीरीज रहेगी, आपको बहुत ही सारे उतार चढ़ाव की तरफ ले जाएगी और एंड में बहुत ही मजा आएगा। तो देखना, हमें तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आएगा। अरे बाबू चूक वाले जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चल चाय लाओ, चाय गरम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय बनाना, चाय के साथ क्या है खाने का? खाने का क्या है? सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नए घर, वहाँ पे मेरा और भाई का रूम का फर्नीचर के कलर जो है वो फाइनल करने बाकी थे, जो हमने डिसाइड किया। और मैंने एक बहुत अच्छी वाली नई चीज सोची है जो मेरे रूम में होगी, वो फाइनल करने जा रहे हैं। चलो, वाओ क्या लॉक है, देखो ये हमारे घर का लॉक है, नए घर का। वाह, अंदर एक और लॉक है, बेड पूरा उठा के रख दिया है साइड पे। अरे यहाँ देखो, अपना वार्डरोब रेडी हो चुका है, ये अपना वार्डरोब है, यहाँ पे पूरा स्लाइडिंग वाला आएगा। और यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग टेबल बनवाया था लेकिन मैंने निकालवा दिया, क्योंकि मैं पूरा वो एस्थेटिक एक मिरर आता है ना स्टैंड वाला रखने वाला, वो सोचा है कि मैं वो लगवाऊंगा। और दूसरी एक सीक्रेट चीज होने वाली है मेरे रूम में, जो मैं आज उनको बताने वाला हूँ, वो आपको सीधा मैं पता नहीं कब दिखाऊंगा, शायद घर बन जाएगा तब दिखाऊंगा या फिर उसके पहले भी दिखा दूंगा। सो ये चीज हुई है। अभी यहाँ पे देखो टीवी का स्पॉट है, बाद में एड हुई ना वो ये चीज, पेलमेट जो पूरे घर में करवाया है ये भाई, इसने भी मेरा बजट हिला दिया पूरा, पूरे घर में बेडरूम में सब जगह, दोनों बेडरूम में यहाँ पे ये चीज करवाई है, जस्ट बिकॉज के पर्दे जो है, जो कर्टन्स आएंगे वो पूरे ऊपर से आए ऐसा लगना चाहिए। ये खर्चा नहीं होता अगर मैं सीलिंग में ध्यान देते थे, सीलिंग के अंदर एक साइड में स्पेस रखवा देते तो पूरा ऊपर से आ जाते पर्दे, तो नहीं दिखते, तो ये नहीं करवाना पड़ता। अब के घरों में सब ये सब करवाते ही है, ये पेलमेट भी करवाते, लेकिन मैं चलता नहीं करवाता, तो अगर आप बनवा रहे हो तो ये गलती मत करना कि भाई सीलिंग बनवा रहे हो तो वहाँ पे ही स्पेस करने को बोल देना सीलिंग वाले को, तो पर्दे पूरे ऊपर से आ रहे हो ऐसे लगेंगे नीचे तक। इससे क्या होता है कि हमारा घर और लग्जरियस लगता है। प्लस यहाँ पे बिल्डर की टाइल्स थी वो 4x6 की थी, मैंने 32x64 की ली है। जितनी बड़ी टाइल्स लगाओगे आप उतना आपका घर लग्जरियस दिखेगा। यहाँ पे एक पार्टीशन आ गया जिससे और अच्छा लुक आएगा, यहाँ से ग्रास ग्रास आएंगे और ऊपर यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे झूमर भी है, झूमर का पॉइंट है, लाइट का पॉइंट है, सब चीज है। प्लस यहाँ पे लाइट आने वाली है, ऐसे ये प्लेटफॉर्म आएगा किचन का जो किचन को एक अच्छा सा लुक देगा, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा, सोफा आ जाएगा। तो इस तरीके का है भाई, दो कुछ चल रहा है। और किचन की बात करो तो भाई, किचन तो एकदम परफेक्ट रेडी है। यहाँ पे कबर्ड और एक्स्ट्रा हमने ऐड करवाया, यहाँ पे मिक्सर और ओवन दोनों चीजें फिक्स रहेगी, जिससे बार बार मम्मी को निकाल लाना पड़े, रखना ना पड़े, तो यहाँ पे फिक्स रहेगी वो चीजें और पॉइंट भी आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा एक क्या बोलते, ये जो बॉक्सेस है ना वैसा आएंगे, और यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा। तो हो गया हमारा किचन पूरा रेडी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म रखवाने का बहुत मन था और ये भाई का आइडिया था, अगर यहाँ पे कुछ बना रहे मम्मी खाना वाना तो वहाँ पे हम बैठेंगे, तो वहाँ नहीं आना पड़ेगा मम्मी को देने, यहाँ रख देंगे, यहाँ से उठा के वहाँ, और थोड़ा इधर भी बैठने का, और तो अच्छा लगेगा भाई, मजा आएगा। तो ये सब हमने चीजें मूवी में बहुत सारी जगह पे देख के रखी होती है ना, तो वैसा होता है ना कि अपने ड्रीम हाउस में ये सारी चीजें हो। बाकी मम्मी पापा का भी पूरा रूम रेडी हो चुका है, देखो सारे फर्नीचर, यहाँ पे सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल आने वाला उनका जो तैयार होने के लिए, बाकी ये कबर्ड रेडी, सब रेडी। अब सनमाइका लगने वाला है, सारे जो कच्चा काम है वो हो चुका है, अब पक्का काम होगा, इसके ऊपर कलर वाले सनमाइकास लगेंगे, वो सब होने के बाद फिनिशिंग होगा, हैंडल्स लगेंगे, मतलब डेढ़ महीना और लग जाएगा ओनली फर्नीचर होने में। हाँ, उसके बाद तो बहुत सारा काम है, और उसके बाद पूरा घर का कलर करवाना है, प्लस ये जो जहाँ जहाँ खिड़कियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, हमारा गार्डन व्यू वाली, प्राइवेट गार्डन व्यू वाली किया है, तो यहाँ पे ग्रिल आएगी, ग्रिल लगेगी हर जगह, बाथरूम किचन सब में नल वल लगेंगे वो, बाकी स्टेयर्स जो है वहाँ पे मिरर वाला मैं करवाने वाला हूँ, तो वो लगेंगे, पूरे घर में मिरर लगेंगे, ना सारा काम बाकी है और पैसे भी। लेकिन देखो भाई कच्चा घर रहेगी, फिर भी क्या लुक दे रहा है दिखाता हूँ।
ये है अपना घर। कच्चे में ऐसा लग रहा है तो भाई पक्का पूरा बन जाएगा, कलर वलर के साथ सोचो पूरा रेडी हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे सोफे में मस्त चाय की चुस्की मार के सोच रहा हूँ कि भाई आई डिड इट, मतलब करके दिखाया मैंने। और तब जो सुकून मिलेगा वो क्या सुकून होगा, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है इसकी। सो गाइस घर पे आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया है, अभी चलते हैं ऑफिस। दोपहर के 2 बज चुके हैं, आज मैं वैसे भी थोड़ा लेट जाने वाला था क्योंकि कल मेरे को टीजर बनाते बनाते 10:30 बज चुके थे। सो मैंने सोचा थोड़ा आराम ही करेंगे, आराम तो ठीक जा ही गया। 10 बजे लास्ट नींद खुल जाती है, उससे ऊपर मैं सो नहीं पाता, उससे पहले ही उठ जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा। चलो अभी ऑफिस जाते हैं क्योंकि एपिसोड वन आज आप देख रहे हो ये ब्लॉग, तो शाम को 4 बजे लाइव होने वाला है लॉटरी एक्सप्रेस का। तो कमीना फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल जो लोग देखते हो, जो लोग नहीं देखते हो जाओ देखो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्लिक करो देखो, बहुत मजा आने वाला है। ये वेब सीरीज में गोवा जो हम शूट करने गए थे वो वाली वेब सीरीज। अभी तो चलते हैं ऑफिस और कर दे बात। चलो गाइस तो पहुंच चुके हैं ऑफिस, लेट बहुत लेट आया मैं आज, 3:30 बज चुके हैं। और रोहित का टिफिन मुझे लेके आने, तो वो तो बेचारा अभी तक भूखा ही होगा, पता नहीं ध्रुव था इधर तो ध्रुव ने तो खाना खा लिया, उतने लेट तक नहीं रहता, लेकिन कोई काम में रहता है तो 3-4 बज जाते उनको। अभी देखते हैं, ध्रुव है, लालू है, रोहित है, और तो कोई आया नहीं अभी। आई गेस 3 पीपल्स आउट हियर। गाइस लव Enjoy. ये खाने के लिए आना तू? अबे साले। So, ये हमारी फ्रेंड उर्वी सा है, उसकी उसका पार्लर का ओपनिंग है 11 तारीख को, तो हम जाने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड सबको मिले जो इस तरीके से इनविटेशन दे भाई, इस तरीके से अंदर अंदर वालों को इनविटेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। ओ मां भाड़ी आऊं जे? एक बाउल में मुकवाना छुट्टू, आखा में स्मेल आवे। Hmm. खाने वाले लाइन में आ जाए, खाने वाले भाई। केक भाई, केक केक आयुष ले भाई, आयुष ले ले। क्या खा गया? खाने का है कोकी, तो इधर लेके नहीं आने का होता है। क्या है, कितने लोग एक कोकी लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता तेरे को भाई, मुझे माफ कर दो। पैर इधर आओ आयुष, आयुष चलो। यस पेरिस, यस नया फ्रेश माल है, ये एकदम कड़क माल है। सबके सबको इधर देखता कर दी, ये सब ट्रैफिक। लेकिन 4-5 लोग नहीं देखा, सब कार वाले थे, 2-व्हील वाले ज्यादा, तो बहुत मजा है। बाहर तुम लोग को नहीं निकलने का, तू तो छुपेगा तो भी दिखी जाएगा ना। उर्वी को हमने बुलाया है कि ऑफिस पे आज नाइट आउट करते हैं, वो ऐसे सुबह से दिखता ही नहीं है, आज सजा देने को सोचा है उसको। उसको बोला कि ऑफिस पे नाइट आउट करते हैं, बोल रहा है 9:30 बजे आता हूँ। सबको फोन आएगा, सब फोन नहीं उठाएंगे, या तो फिर हाँ आ रहे करेंगे खाली, उसको इधर ही लपड़ाएंगे। लालू 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 तेरे को फोन आएगा तो ऐसे मत बोलना कि नहीं भूल गया, ऐसे बोलना कि हाँ आ रहे इधर ही ऐसे। भाई आ रहा हूँ, ये थोड़ा एक काम कर, पापा को खाना देना है, खाना। हाँ अर्जेंट कुछ भी बना, और एक आध घंटे तक आ रहा होगा ना, फिर बोलना अरे यार नहीं आ रहा। लेकिन हम पूरी स्क्रिप्ट के साथ करेंगे। मैं डेट आऊंगा इस सीक्रेट डेट, आपकी भाभी को भी नहीं पता, और देख सकते हैं मेरे पीछे कैफे है, मुझे मन हो रहा था भाई मिलने का, मैं डेट पे आ गया आयुष के साथ। आयुष है और कोई नहीं है, मेरे साथ तो कौन ही आएगा, मैं जाता ही नहीं, मैं ऐसे भी किसी के साथ डेट पे नहीं जाता था। नहीं जाता जब तेरी भाभी नहीं थी ना तब भी, तू जाता है बहुत डेट पे। कौन, मैं नहीं जाता। जाता तो है कभी, पकड़ भाई पकड़ो ना यार, क्या कर रहा है इसको, पकड़ो। देखो जो चीज होती हो तो उसको पकड़ पाएंगे ना, जो चीज हुई नहीं वाली तो पकड़ेगी कैसे। देखो चैलेंज कर रहा है बंदा, इसकी गाड़ी है बर्गमैन, और कभी कभी किया ब्लैक कलर की किया में घूमता, 0311 HU पकड़ो यार, और कार का RM 0311। और ऐसे भ्रम में मत रहना कि आयुष मोटा है तो मोटी लड़की होगी, नहीं 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 पतली भी हो सकती है। देख हंस रहा है, स्माइल तो आ गई तेरे चेहरे पे। तो यहाँ पे भाई ऐसे ही पास्ता खाना है हम टाइम पास करने, मेरे को बहुत टाइम से इसका पास्ता खाना था। वाओ आयुष तूने खाना बनाना सीखा है, पास्ता बनाना कब तू कब बना के? नहीं नहीं एक दो जन को खिलाया है पास्ता, तूने खाया था? तुमने नहीं, तुमने तो पनीर चिल्ली खाया था। तो ऐसा ऐसा बना लेता है तू? हैं मैं बनाया है, बना के खाया हमको, हमको बना के खिला, कब खिलाएगा नहीं बताया ना, अगले जन्म में। हाँ बोल, कुछ बोल तो सही, कुछ डेट नहीं देगा पता कि बोल दूंगा एक बार तो फंस जाऊंगा, फिर सनी भाई पूरे बराबर मार लेंगे कि नहीं खिलाया, ऑफिस में बनाएगा भाई।
हम लोग इधर है, उर्विल का कॉल आया कि कब निकल रहे हो। हमने उसको बुलाया हुआ है ऑफिस पे भाई, आज तो उसको बुलाएंगे और उसको ऐसे ही भेज देंगे, कल लेंगे उसके व्लॉग में बातचीत क्या एक्सपीरियंस किया उसने। एक तो उसका फोन भी बिगड़ा हुआ है, उसके साथ सब खराबी होता जा रहा है, खराब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है उसकी लाइफ। लेकिन कोई नहीं, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो होगा ना वो उसको मजा आएगा। ऐसा होता है, पहले कर चुका है ना, पहले हमारे याद है, पहले बैठे थे अपने बेड पहले, क्या 50 बार ऐसा किया उसने। हाँ आ रहा हूँ, तीन घंटे लेट आता है, तीन घंटे आज परेशान करेगा, ऐसा करता है वो, तो वैसा आज करेंगे, मजा आएगा। मैंने बोला है कि बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बाइक वालों की सबसे बड़ी दिक्कत, बारिश का मौसम, बाइक लेके निकले गलती से ब्रिज चढ़ गए और ब्रिज पे बारिश आ गई, फंस गए, सरेंडर, अब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, मस्त गीले होते होते जा रहे, कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ब्रिज पे है, लेकिन कोई नहीं, ये भी अलग मजा है। साला गुस्सा आ रहा है मेरे को कि मैं गीला हो रहा हूँ और मेरे को नहीं होना है, लेकिन ब्रिज चढ़ गया भाई ये, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। सो गाइज अभी मैं सेफ जगह पे आ गया हूँ क्योंकि ऊपर ब्रिज है और ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं बारिश में अब गीला होके ही जाऊँगा, मजे लेने तो अब फूल ही लेते हैं, पूरा गीला होके जाऊँगा, फोन रख देता हूँ अंदर, बारिश का मजा लेके चलते हैं। सो गाइज मैंने डिसीजन लिया कि मैं भीग के जाऊँगा, जब मैंने भीग के जाने का डिसीजन लिया तब बारिश ही बंद हो गई, एकदम कोहरा हुआ है यहाँ पे देखो, क्या है भाई ये, क्या है भाई। सो गाइस के ऑलमोस्ट 11:15 बजे और रुबिल ऑफिस पे आ चुका है, रोहित वहाँ पे ही है, रोहित एडिट करने गया था तो उसका मैसेज आया मेरे को कि उर्विल भाई आए हुए, तो हमने जैसे कि हमारे प्लान के हिसाब से हमने बोला था उसको कि आज नाइट आउट करते हैं, वैसे तो वो आके बैठ गया है, अभी उसको है ना वीडियो कॉल करके चमका दे। ओके भाई वांगो नहीं, कहाँ है उर्विल? मैं के हमारा पहला पप्पा ने पापा, अरे वरसाद बुआ आवतो तो इतले लालू नीट रिटर्न थई गयो, लालू रिटर्न थई गयो तो मैं भी रिटर्न थई आम, लालू तो जूनो तो नवो भाई वालो नहीं, जो हमारा मने एम के हूं आ तमने को आगो पूछ थई जाए एक्टिविटी चालू करी ने राखो एवी रीते लेलो तो તને ગુસ્સો આવે છે તો આખો વ્યક્ત કર ગુસ્સો, એવી તો દબાવ નહી ભાઈ, ખોટું લાગ્યું હોય તો ના ના ભાઈ આપણને એવું કઈ। તું કેવું પેલું આ હ કહીને નહી આવે, તું કેવું હ કહીને નહી આવે એવું થયું એમ, વાંધો નહી ભાઈ સની, હા મેં આટલી ઉધી તો આવી ગયેલો તો મને ફોન આવ્યો તો પાછળ, હા હા એ ભાઈ બરાબર, મેં બી આવી ગયેલો ભાઈ, મારે બી થોડો કઈ નઈ તો બી આવીએ છે, કરીએ ચાલ ની, હા ચાલ કરીએ ચાલ ભાઈ, કસમ સે મેરે કલેજે કો જો ઠંડક મિલી હે ના, યે હંમેશા એસા કરતા હે, હંમેશા આપકો લગ રહા હોગા કે ઇસકો એસા ક્યું પરેશાન કરે, લેકિન યે આપકો પતા નહીં હે, યે જો આદમી હે ના એસા બોલ દેતા હે ખાલી હા આયા, ફિર અપન વેટ કરતે રહે જાતે, લેકિન વો દિખતા ભી નહીં હે, એસા બહોત બાર વો નેચરલી કરતા હે, લેકિન હમને આર્ટિફિશિયલી કિયા, ઉધર જાકે ઇતની ગાલિયા દે રહા હે ના હમકો, ઇતની જ્યાદા એક્સપ્રેસ ભી નહીં કર પાયે ઓર વો ઉસકો બહોત ગાલિયા દેની હોગી, કલ મજા આયેગા, અભી કલ દેખતે હે, તો ચલિયે ઇસી કે સાથ આજ કે વ્લોગ કા એન્ડ કરતે હે, મિલતે હે એક નયે વ્લોગ કે સાથ, બાય બાય, સી યુ, ટેક કેર, ભૂલ તો એપિસોડ 1 आउट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, भूलना मत, कमेंट जरूर करना, बाय बाय। You ever been in love, so deep there's no way out.